वीडियो के अंदर हम मेन बात करने वाले हैं कि हमने सबने सुना है कि जोड़ों के अंदर कार्टिलेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे पास ये घुटने का जोड़ रखा हुआ है, इसको हम पीछे से देख रहे हैं, तो ये जो ब्लू कलर की कार्टिलेज दिख रही है नीचे की बोन पे भी और ऊपर की बोन पे, ये जोड़ों की कार्टिलेज है, इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इसके पीछे की साइंस को समझते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इसके खराब हो जाने के बाद जोड़ खराब हो जाते हैं और एक लेवल पे खराब होने के बाद कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती है। सबसे पहली बात तो ऑर्थोपेडिक्स के अंदर मसल और स्केलेटन ये मिलकर एक सिस्टम बनाता है जिसका काम होता है मूवमेंट का होना, स्टेबिलिटी होना। हम सीधे इसी मसल और स्केलेटल के सिस्टम पे खड़े हुए हैं, सारी स्टेबिलिटी इसी से आती है। तो खाली मसल और बोन नहीं है, यहाँ पे जॉइंट भी हैं, दो हड्डियों के मिलने से बनने वाला जॉइंट, यहाँ पे लिगामेंट्स भी हैं जो साइड में लगे हुए दिख रहे हैं, ये लिगामेंट्स भी हैं, ये भी इसी का पार्ट है। टेंडन्स भी होते हैं कि मसल के आखिरी हिस्से को हम टेंडन बोलते हैं, उससे ऊपर मसल है और ये आके यहाँ पर टेंडन जाके बन गई है। तो ये मसल और टेंडन भी होते हैं जिनका काम होता है कि जॉइंट को मोबिलिटी देना और स्टेबिलिटी देना। अगर इन सारी चीज़ों में, चाहे वो हड्डी के अंदर हो, जोड़ के अंदर हो, इन लिगामेंट के अंदर हो, मसल या लिगामेंट या टेंडन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो पेन होने लगता है और लाइफ के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। अब जो बात कर रहे हैं कि जो जॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जॉइंट पेन की बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े जॉइंट होते हैं जैसे नी जॉइंट, हिप जॉइंट, ये सारे साइनोवियल जॉइंट होते हैं। हम सब ने सुना है कि जोड़ों की ग्रीस खत्म हो गई है, तो ये जो ग्रीस होती है बेसिकली जो एक फ्लूड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूड होते हैं, तो ये साइनोवियल फ्लूड होता है ये चिकनाई देता है ताकि जो ये जोड़ की ब्लू कलर की कार्टिलेज जो इस मॉडल में दिख रही है इस पे अच्छे तरीके से उस चिकनाई की लेयर होने से अच्छा ग्लाइडिंग मूवमेंट आ पाए। दूसरी बात है, इस कार्टिलेज का एक और भी काम है, जब आप वजन रख रहे हो तो बार बार प्रेशर जो पड़ रहा है नीचे, तो ये जो कार्टिलेज होती है ये इम्पैक्ट को लेने का काम भी करती है, ताकि जब आपका प्रेशर पड़ता है तो ये कार्टिलेज इम्पैक्ट भी ले रही है। उसके अलावा जोड़ों के अंदर स्पेशली नी के अंदर एक एक्स्ट्रा कार्टिलेज ये पिंक कलर की दिख रही है, ये जो पिंक कार्टिलेज है इसको मेनिस्कस बोलते हैं। पीछे से देख रहे हैं हम जोड़ को, तो ये मेनिस्कस के ऊपर भी प्रेशर होता हुआ जाता है, तो ऊपर की बोन से नीचे वाली बोन पे प्रेशर जाता है। अब आते हैं हम बेसिक बात पे कि कार्टिलेज इंपॉर्टेंट क्यों है। थोड़ा सा कार्टिलेज की हल्की सी बेसिक साइंस समझ लेते हैं। ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है इसको हम बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। ये कॉलेजन फाइबर की बनी हुई होती है, इसमें कॉलेजन फाइबर होता है, उसका मैट्रिक्स होता है और प्रोटियोग्लाइकेन और दूसरे केमिकल्स होते हैं। ऐसा मानिए कि केक के अंदर हमने ऊपर से जो चेरी डाल दी है, इस तरीके से कार्टिलेज के मॉडल को सोचो कि ये अगर इसको हम माइक्रोस्कोप में लगा के देखेंगे तो एक समझिए केक जैसी स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का काम होता है कि जब प्रेशर पड़ता है तो ये अपने अंदर से पानी को बाहर निकाल देती है। इसके अंदर पानी होता है क्योंकि इसकी जो एक स्ट्रक्चर में हमने बात की थी, हाइलुरोनिक एसिड और प्रोटियोग्लाइकेन, ये केमिकल जो होते हैं इनका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। इसीलिए ये जो कार्टिलेज होती है ये स्पंज की तरह जोड़ के पानी को अंदर सोख के रखती है। जब भी प्रेशर पड़ता है इससे पानी निकल के जोड़ में आ जाता है, जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है वापस पानी ये सोख लेती है। तो इसलिए जोड़ के अंदर स्पेशली नी की बात करें बहुत ज्यादा फ्लूड नहीं होता है, नॉर्मली 4-5 ml का फ्लूड होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम कर रही है, ग्लाइडिंग मूवमेंट देने का भी काम कर रही है, ये मूवमेंट देने का काम भी कर रही है और इम्पैक्ट भी ले रही है। 60-80% वाटर होता है इसके अंदर। इसके अलावा जो हमने बात की थी इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कॉलेजन की बात की, तो मार्केट में ढेरों सारी मेडिसिन हैं जो ये दावा करती हैं कि वो इस कॉलेजन को ठीक करती है, कि ये कॉलेजन अगर कार्टिलेज का खत्म हो जाए, खराब हो जाए तो ठीक करती है। पर यहाँ ये बात जानने की जरूरी है कि कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, कोई खून का दौरा नहीं है, तो अगर ये कार्टिलेज का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है तो दोबारा नहीं बनेगा कोई भी मेडिसिन से। अगर ये एक माइनर हिस्सा जाता है तो इसके अंदर भी कुछ रिपेयर की पॉसिबिलिटीज होती हैं। इस कार्टिलेज के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन के लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा टिश्यू रिपेयर करते हैं। अगर माइनर इंजरी है तो कार्टिलेज ठीक हो जाती है, एक इन्फीरियर क्वालिटी की कार्टिलेज बन जाती है और वो काम चल जाता है। बट अगर मेजर डिफेक्ट आता है तो जब भी आप चलोगे, वेट रखोगे, तो ये कार्टिलेज नीचे वाली बोन पे प्रेशर डालेगी और ये पेन करेगी। तो ये जो कार्टिलेज का होना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे काम कर रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारा जोड़ का मूवमेंट होना, उस चिकनाई से चलना, वाटर अंदर अब्जॉर्ब करना, बाहर निकालना,
ये सारे काम कर रही है, दिन भर हमें चलाने के, भागने दौड़ने के सारे काम इस कार्टिलेज से, इस ब्लू स्ट्रक्चर से हो रहे हैं। एक एक्स्ट्रा कार्टिलेज भी घुटने के अंदर होती है जो ये पिंक कलर की दिख रही है, मेनिस्कस, ये भी एक एक्स्ट्रा कार्टिलेज है। जैसे कि रीढ़ की हड्डी में दो बोन्स के बीच में डिस्क होती है, डिस्क भी एक कार्टिलेज है। तो इसलिए कार्टिलेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है जॉइंट के लिए, किसी भी मूवमेंट के लिए। अगर ये कार्टिलेज खराब हो जाती है तो वो जॉइंट खराब होता है, पेनफुल हो जाता है और उसके अंदर प्रॉब्लम होने लगती है। माइनर इंजरी होगी, मैनेजेबल है, बॉडी मैनेज कर लेती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेजर इंजरी के अंदर ये कार्टिलेज रिपेयर नहीं होती है। कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे हम ओल्ड एज में जो आर्थराइटिस की बात करते हैं, ओल्ड एज में 60 के बाद जो नी का जॉइंट खराब होता है, तो वो क्या होता है कि ये मेनिस्कस वाली कार्टिलेज जो होती है, ये वाली कार्टिलेज, ये घिस जाती है। इसके घिसने की वजह से जब बोन प्रेशर डालती है तो ये कार्टिलेज इस पर प्रेशर डालने लगती है और पेन होने लगता है। वहीं जो अर्ली एज, यंग एज में 30-40 की एज में जो गठिया बाह की बीमारियां होती हैं, तो इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। उससे डायरेक्ट ऐसे केमिकल्स निकलते हैं कि बिना इस हिस्से को घिसे डायरेक्ट ये लेयर खराब हो जाती है कार्टिलेज की। इसीलिए कार्टिलेज सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एज की वजह से खराब हो, चाहे वो डिजीज की वजह से खराब हो यंग एज में। तो दोनों डिजीज अलग अलग होती हैं। अगर इसको देखें तो ओल्ड एज की आर्थराइटिस तो वैसा ही है कि जैसे एज के साथ साथ सारी चीज़ें, सारे ऑर्गन्स पुराने होते जाते हैं, वहीं जो गठिया बाई की रूमेटिक डिजीज होती हैं, वो रूमेटिक डिजीज में ये जो डायरेक्टली खराब हो जाता है बिना एक दूसरे के ऊपर प्रेशर पड़े, डायरेक्ट केमिकल आएगा और इसको गला देगा। तो ये जो सारी चीज़ है हमने डिस्कस की है अबाउट कार्टिलेज।